हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर की घुघनी। हरे मटर की घुघनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है एक कटोरी छिले हुए हरे मटर, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और साबुत लाल मिर्च। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है जिसमें हम हरे मटर का घुघनी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये जीरा, साबुत लाल मिर्च। जीरा डाल दिया है, अब हम इसमें साबुत मिर्च तोड़ के डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जीरा थोड़ा सा लाल हो चुका है, इसको हम हल्के हाथों से चलाएंगे और हम इसमें अब डालने वाले हैं प्याज जो हमने काट के रखा था। हाई फ्लेम पे हम प्याज को, देखिए फ्रेंड्स, हम प्याज को ऐसे ही 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें हम डाले जाए नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद हमारे प्याज जो हैं वो जल्दी से गलने लगे हैं, पकने लगे अच्छे से। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे प्याज 2 से 4 मिनट फ्राई करते थे लाल हो चुके थे, इसमें ये टमाटर ऐड ऑन कर दिया है। अब हम जो हमने हरे मटर छील के रखे थे उसे भी डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें हम जो बाकी मसाले बचे हैं हमारे, हल्दी और काली मिर्च, उसको हम ऐड ऑन करेंगे। ये हमने इसमें हल्दी डाल दी है और जो काली मिर्च हमने रखी थी निकाल के उसे भी हम डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, अभी हमारे हरा मटर जो है वो अभी कच्चा है, इसको हम ऐसे ही उबाल आने तक ऐसे ही हम इनको चलाते रहेंगे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा ये मटर जो है पकने लगेंगे और इसका पानी जो है सूखने लगेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपको लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है तो। मैंने नहीं किया। फ्रेंड्स, इस तरह से हम ढक देंगे इसको, जब तक ये पानी में बॉयल ना आ जाए तब तक कि इसको हम ऐसे ढक के पकाएंगे। करीबन 5 से 10 मिनट लगेगा इसको पकने में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमें इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने जब ये हटा के देखा तो अभी भी इसमें बॉयल आ रहा है। ऐसे ही हम धीरे धीरे इसको और पकाएंगे जब तक ये पानी आधा सूख ना जाए। जब ये पानी सूख कर आधा हो जाएगा तब हम इसको आके दोबारा चेक करेंगे, तब तक के लिए हम इसको दोबारा ढक के पकाएंगे तब तक। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी पककर कम हो गया है। अब हम इसके मटर को निकाल के चेक करेंगे कि मटर जो है वो अच्छे से पक गए हैं या नहीं। इस तरह से हमने देखा है मटर जो है वो पक चुके हैं। ये मटर अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड। अब हम चाहेंगे तो इसको और सुखा सकते हैं, या फिर हम इसको इसी तरह से रोटी के साथ या बिना रोटी के साथ या चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये पक चुके हैं बहुत अच्छे से और खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मुझे थोड़ा सा कम पानी चाहिए तो इसलिए मैं इसको 2 मिनट और सुखाऊंगी, हाई फ्लेम पे 2 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हरे मटर का घुघनी बनके तैयार है और हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। प्लीज़ आप लोग भी बनाइए और खाइए। थैंक यू।